नमस्कार, आप बिहार इंस्लॉट्स देख रहे हैं। मैं हूं प्रवीण सिंह। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आरा से है। आरा में रामनवमी के जुलूस के दौरान आरके सिंह के खिलाफ नारे लगे हैं। भोजपुर के सांसद आरके सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है, जिसके बाद सांसद के समर्थक और जो विरोधी हैं वो आपस में भिड़ गए और आरके सिंह भी इस जुलूस में शामिल थे और इस दौरान ही यह घटना घटी है। देखिए किस तरह से आरके सिंह के खिलाफ जो है जुलूस में नारेबाजी की जा रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि समर्थक और विरोधी जो है वो आपस में भिड़ गए हैं, जिसके बाद पुलिस जो है वहां मौके पर पहुंचती है और लोगों को शांत कराती है। इसके अलावा देखिए जो लोग हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं। हमको जसवंत नारायण सिंह तो आपने देखा कि किस तरह से आरा में आज बवाल हो गया है। आरके सिंह के खिलाफ जो है जमकर नारेबाजी हुई है। आरके सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, जिसके बाद आरके सिंह के समर्थक जो नारेबाजी कर रहा था उससे भिड़ जाते हैं, फिर काफी बवाल मच जाता है, जिसके बाद पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है और मामला को शांत करती है। आरके सिंह जो है भाजपा से आरा से सांसद हैं और इनके खिलाफ नारेबाजी हुई है और वजह क्या है, आखिर किस वजह से इनके खिलाफ नारेबाजी की गई है, क्या नाराजगी की वजह है, ये जानने की भी कोशिश की जा रही है। आरके सिंह जो है अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं और इस तरह केंद्रीय मंत्री का आरा में विरोध हुआ है। आरा में रामनवमी की जुलूस निकली थी और जुलूस के दौरान ही यह घटना घटी है। जो लोग हैं जो विरोधी थे वो आरके सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, जिसके बाद काफी स्थिति बिगड़ गई, अफरा तफरी का माहौल बन गया, काफी बवाल बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया और लोगों को समझा बुझाकर वहां से ले जाया गया है। इसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है अभी पूरी जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन आरके सिंह जो कि आरा से भाजपा के तरफ से सांसद हैं उनके खिलाफ लोगों की नाराजगी फूटी है और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। तो देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाला है और उससे पहले ही लोगों की नाराजगी भी अब भाजपा के सांसदों को देखने झेलनी पड़ रही है और नारेबाजी जो है वो रामनवमी के जुलूस के दौरान की गई है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तुरंत पहले इस खबर को लेकर आप कह सकते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।